क्लास नाइन स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं हमारा पैरेलल लाइंस ज्योमेट्री लेसन नंबर 2। अलजेब्रा में हम 2 लेसन कर चुके हैं, हम ज्योमेट्री में 2 लेसन करने जा रहे हैं, ओके। और इसमें से 2 एक्सरसाइज हैं जो 2 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। लाइंस आपका लेसन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ 5 सम्स हैं, 2 ओमिट हो गए हैं, तो 3 ही कराने हैं, ओके, सारे करा देंगे। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? द लाइंस विच आर को प्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उसे आप कहते हैं पैरेलल लाइंस, ओके। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल एल और एम लाइन पैरेलल है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन है पैरेलल, तो ये जो लाइन है ये कौन है? तो ये है आपकी लाइन ट्रांसवर्सल, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। एल और एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जैसे ही ये ट्रांसवर्सल है तो आप देखते हैं मैनी एंगल्स हो गए, एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये, 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 तो इनमें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में जैसे यहाँ पर डी है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एच है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ लीजिए, ओके, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला एंगल, तो यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? ई, तो यहाँ पर आएगा ई एंगल, ठीक है। सी का कॉरस्पॉन्डिंग ये नीचे है तो यहाँ पर नीचे वाला, तो एंगल जी। ये बी है नीचे तो यहाँ पर एफ, तो इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट कौन होता है? ऑल्टरनेट ऐसे जेड बनाता है, ऑल्टरनेट जेड बनाता है, चाहे वो उल्टा जेड भी हो, ओके। ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी ट्रांसवर्सल के एक इधर वाला लेफ्ट तो एक ट्रांसवर्सल के इधर वाला राइट। अगर यहाँ ट्रांसवर्सल है ये और ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है। तो सी ई, आप देखिए एंगल सी और ये एंगल ई, देखिए जेड बन रहा है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, तो एक लेफ्ट तो एक राइट, तो सी ई आपस में ऑल्टरनेट है, बी और एच ऑल्टरनेट है। ये ऑल्टरनेट जो मैंने आपको बताया ये इंटीरियर ऑल्टरनेट है, एक्सटीरियर भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्सटीरियर का यूज़ ना के बराबर है, बट आप एक्सटीरियर भी कर सकते हैं। जैसे डी है तो डी का एफ है, मतलब डी का, ठीक है ना, एफ है, और ए का जी है, ओके। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन है? इंटीरियर एंगल मतलब होता है कि 2 पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल है, जैसे बी और ई, ये दोनों इंटीरियर है। और बाय द टेस्ट आपने 8 क्लास में पढ़ के आए हैं, 8 क्लास में जो लेसन नंबर 2 है आपका वो यही तो है। और एंगल सी और एच ये दोनों इंटीरियर हैं, इंटीरियर का सम 180 होता है, आगे आएगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स फाउंड आर कॉन्ग्रुएंट, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसको मैं थोड़ा समझा दूँ ऐसे, इस तरह से जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये इसका ये इसका, इसी को आप कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। द एंगल्स इन द लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। तो कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से, ये आपको आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आ रही है, व्हेन वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारे होंगे, मतलब किसी जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो एक कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है तो बाकी भी इक्वल होंगे। व्हेन वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रिमेनिंग पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल 180 होगा तो अदर पेयर भी 180 होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ और होगा। तो ये कुछ डेफिनेशन और जो मैंने आपको कुछ हिंट्स ट्रिक्स दिए हैं पीछे, और ये 5 प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे तो ये आपको काम आएगा, ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक थ्योरम्स भी होती हैं, थ्योरम्स जिसे आप कहते हैं थ्योरम्स। फिलहाल आप थ्योरम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी हम आपको वही लेंगे, वरना थ्योरम की स्टेटमेंट और जो प्रूफ करना होता है ये आप माइंड में रखें, ये आपको सम्स करने में काम आएगा। इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, भी मैंने पीछे बात बता दी है कि ए प्लस बी दोनों अंदर का सम, ए प्लस बी 180 और डी प्लस सी भी 180 है, ओके। कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी तो वही हम वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे, वरना फिर वो आप अपनी सेल्फ स्टडी में करें या डाउट से आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।
Next है the corresponding angle formed by the transversal of the two parallel lines are equal measure. मतलब जब दो लाइनें पैरल होती हैं तो उसके corresponding angles equal होते हैं और alternate angles of a transversal of the two parallel lines equal. मतलब दो parallel lines के चाहे alternate angles हो चाहे corresponding angles हो ये congruent होते हैं. ये आपको डायरेक्ट सम में आने वाला है. देखिए theorems क्या है, इतना सा इसका solution है. सम में भी same चीज़ आएगी, इसलिए हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, स्टेटमेंट माइंड में रखना है, इसलिए मैंने आपको कराया है. अब हम सीधा आ रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमें बोर्ड ने दो सम ओमिट कर दिए हैं, सम नंबर 3 और सम नंबर 5. तो तीन सम बाकी रह गए हैं, तो हम ये तीन सम आपको सॉल्व कर देते हैं. लीजिए वो 2.1 हो गई आपकी. फिर ना 2.1 एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट सम आ रहा है, जिसमें ये डेफिनेशन और डायरेक्ट ही कोई लंबी कैलकुलेशन भी नहीं आएगी. ठीक है ना, दो लाइन पैरल गिवन है. क्या गिवन है? आर पी इज पैरल टू एम एस, ये गिवन है. ठीक है, जो गिवन है लिख दीजिए. एक एंगल दी गिवन है डी एच पी, एंगल डी एच पी 85, एक एंगल गिवन है जिसको मैंने ग्रीन किया है. ये तीन ये चार एंगल्स आपको बताने हैं कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला. आप चाहो तो सारे भी बता सकते हो, बट जो पूछा है फिलहाल हम वो कर रहे हैं. ओके, तो नाउ 85 गिवन है, ये एंगल पूछा है. ठीक है, तो इसमें आप लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे. लीनियर का पेयर का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ एक स्ट्रेट लाइन हो और ऐसे हो. अगर एक एंगल गिवन है और ये पूछ रहा है तो इन दोनों का सम 180 होता है. इसे लीनियर पेयर एंगल एडिशन में हम यूज़ करते हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ज़रा टेक्स्ट में डायग्राम देख लेना. ओके, प्रॉपरली वैसे तो दिख रहा है यहाँ पर भी. एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180. कैसे? आर एच डी यानी ये वाला एंगल और डी एच पी यानी मतलब ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 होता है बाय लीनियर पेयर. ओके, बस कह रहा है एक गिवन है तो एंगल आर एच डी आपको बताना है, डी एच पी आपको गिवन है कितना क्वेश्चन में 85 इज इक्वल्स टू 180, ये फिक्स है. तो आर एच डी हो जाएगा 180 माइनस 85. 180 में से 85 गया तो कितना बचा? 95. तो आर एच डी आ रहा है 95. दिस इज योर आंसर आर एच डी का. ओके, अब नेक्स्ट आपसे पी एच जी पूछ रहा है. तो काहे पी एच जी? पी एच जी ये वाला ये पूछ रहा है. अरे भाई ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है ना एक दूसरे के. आप चाहो तो इसको भी लीनियर पेयर से करते हो, लेकिन मैं वर्टिकल अपोजिट कर रहा हूँ. मतलब आर एच डी वर्टिकल अपोजिट इक्वल है जी एच पी के, यानी मैं लिख सकता हूँ एंगल आर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल है पी एच जी. रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो आर एच डी कितना आया है? 95. तो पी एच जी भी हो जाएगा 95. दिस इज माई आंसर. ओके, थर्ड मुझसे पूछ रहा है, थर्ड हमसे पूछ रहा है एंगल एच जी एस बताइए. एंगल एच जी एस कहाँ है? एच जी एस, एच जी एस यानी ये वाला. अब इसको मैं चाहूँ तो इंटीरियर से भी कर सकता हूँ. और ध्यान से देखिए, एच जी एस इस डी एच पी का कोरस्पॉन्डिंग है. देखिए मैंने आपको बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसवर्सल और पैरल लाइन है. ट्रांसवर्सल के राइट साइड का ऊपर वाला एंगल, यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड के इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, अभी पीछे हमने इंट्रो में लिया है. तो एंगल एच जी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एच पी है, और इसका रीज़न क्या है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो एच जी एस कितना होगा? जितना डी एच पी है, और डी एच पी 85 गिवन है, तो इसका आंसर 85 आ रहा है. क्लियर हुई बात? ओके, फोर्थ में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा और पूछेंगे मुझसे. ओके, फोर्थ पार्ट. अब मैं आ रहा हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका डायग्राम है जो मैंने बना दिया है. क्या गिवन है? पी पैरल टू क्यू है.
PQ पैरल है और LM पैरल नहीं है, ओके L भी ट्रांसवर्सल है और M भी ट्रांसवर्सल है, ओके पैरल PQ है, तो जो भी प्रॉपर्टी आपको लगाना है वो PQ के लिए लगाना, ओके अब ये पूछा एंगल A बताओ, B बताओ, C बताओ, D बताओ। तो एंगल A, फिर वही बात, A प्लस 110 ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लीनियर पैर लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल 110 इज इक्वल्स टू 180 रीजन बाय लीनियर पैर। लीनियर पैर से एंगल A और D, देखिए सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं, कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं होती है इसमें। तो एंगल A क्या हो जाएगा, 180 110 वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल A आया 70, तो एंगल A आ गया 70, एक आंसर आ गया, अब A मिल गया 70, ओके। अब ये मत बोलना A और C इंटीरियर ना, LM आपस में पैरल नहीं है, PQ पैरल है, सारी प्रॉपर्टीज वहाँ अप्लाई होती हैं जहाँ लाइंस आर पैरल हो, ओके चलिए और क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरल है, ठीक है, अब सिमिलरली आप D भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली D भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, ये लाइन, अब डायग्राम पीछे चला गया है मेरा, तो आप डायग्राम टेक्स्ट में देख लीजिए, तो एंगल 115 प्लस एंगल D जो है वो 180 है, D निकाल लो, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115 वहाँ जाके माइनस का, तो कितना आया 65, तो एंगल D 65 है, ओके 180 में से 115 गया 65, अब आपको एंगल D मिल गया, अब आप एंगल C निकाल सकते हैं, ओके डायग्राम में ध्यान से देखिए, ठीक है ना, P पैरल टू Q है और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 115 है, क्यों है, बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर इधर बता दूँ ऐसे कि वहाँ पर ऐसे गिवन है, ये एंगल C है और ये एंगल 115 है, तो ये भी पैरल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरल लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में कोरोस्पॉन्डिंग है, तो एंगल C और एंगल 115 इक्वल है बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें भी बी एंगल मैं आपको निकालने दे रहा हूँ होमवर्क, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं निकले तो फिर वही है, मुझे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ऊपर वाले समय भी चार थे तो तीन मैंने निकाले थे, यहाँ पर भी चार चीज़ें निकालनी है तो एक मैं आपको दे रहा हूँ, ओके जस्ट होमवर्क है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अब 4 सम का डायग्राम मैंने बना दिया है, ये पी क्यू आर है एंगल और ये एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आपको ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पी क्यू आर को एक्स वाई जेड के, और गिवन क्या है कि जो साइड है पी क्यू आर की और एक्स वाई जेड की वो पैरल है, तो उस पैरल के लिए मैंने क्या किया है, बाय कंस्ट्रक्शन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते, इसको भी थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लेते, इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेते एक्सटेंड, और इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके और एक्सटेंड करने के बाद ये जो पॉइंट है ना, इसको कुछ नेम देना पड़ेगा आपको, मैं इसको नाम दे रहा हूँ टी, ओके कुछ भी, गिवन है कि साइड ऑफ एंगल पैरल है, तो इस एंगल का साइड कौन है, पी क्यू, वो पैरल है एक्स वाई, या अगर नीचे तक ले लूँ या टी लिया है तो एक्स वाई भी बोल सकते हैं, एक्स टी भी बोल सकते हैं उसे, ओके एक्स टी के, तो ये दोनों साइड पैरल होंगे, अगर ये दोनों पैरल हैं तो एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी जिसे आप आर भी बोल सकते हैं, पी क्यू आर एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स टी आर के, एक्स टी आर नंबर वन, मतलब एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स टी आर के, इसके मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वाई ये भी पैरल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरल लाइन के ऊपर है, और यहाँ पर आप लिख भी सकते थे क्यू आर ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ओके तो जब ये दोनों साइड पैरल हैं और ये क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल है बाय कोरोस्पोंडिंग एंगल्स।
ओके अब आपको फिर लिखना है कि वाई जेड, ये वाई जेड पैरल टू टी आर या क्यू आर है, ये वाई जेड पैरल टू क्यू आर है, और इस बार ट्रांसवर्सल किसके मान रहा हूँ मैं, एक्स टी को, और एक्स टी इज ट्रांसवर्सल। ओके तो ये एंगल एक्स टी आर, एक्स टी आर कॉन्ग्रेंट होगा एक्स वाई जेड के, रीजन अगेन वही होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये इसके इक्वल था बाय कोरस्पॉन्डिंग, अब ये इसके इक्वल है अगेन बाय कोरस्पॉन्डिंग, ये दोनों पैरल तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग, ये दोनों पैरल तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी आप जानते हैं एक्स टी आर कॉमन आ रहा है, ऐसे कट करते नहीं है, जो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्स टी आर इसमें भी आ रहा है, एक्स टी आर इसमें भी आ रहा है, तो दोनों एक्स टी आर कॉमन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड, तो यही तो आंसर लाना था, हैंस प्रूव्ड। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 ज्योमेट्री क्लास 9th, एक वीडियो में हम इसको 2.2 करके एंड करेंगे, और बाद में हम कभी रिवीजन में प्रॉब्लम सेट या कुछ डिफरेंट सम या कोई थ्योरम अगर इंपॉर्टेंट लगेगी तो पकड़ लेंगे। ओके थैंक यू।